जो बॉर्डर पड़ता है घाघरा संजय सेतु के मैं नीचे मौजूद हूँ और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर एक नाव है, एक बोट यहाँ पीछे है जो फिरोजी कलर में है। और आज यहाँ पर मैं पहुँचा हूँ क्योंकि बहुत जल्द ही आने वाले दिनों में महाशिवरात्रि का पर्व है, जिसके दृष्टिगत यहाँ पर काफी संख्या में यहाँ पर जो भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं वो यहाँ पहुँचते हैं और यहाँ से जल ले जा करके वो जो है महादेवा और जो कई स्थान है जहाँ पर वो पहुँच करके जलाभिषेक का जो है करते हैं, जलाभिषेक करते हैं। तो आज हम यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ पे घाट पे जो लोग रहते हैं, हमने उन लोगों से बात करने की कोशिश की है कि आखिर यहाँ घाट पे क्या दिक्कत है और क्या ऐसा कर दिया जाए जिससे आने वाले दिनों में लोगों को काफी राहत मिले और जो लोग यहाँ से जल ले जाते हैं उनको भी राहत मिले। तो यहाँ पर बात भी हम करेंगे भी, तो आप देख सकते हैं यहाँ बोट में जो यहाँ पर मौके पर मौजूद है, एक रिपोर्टर भी है और एक जो है यहाँ के रहने वाले तप्पे सिपा के हैं ये भी यहाँ पर मौजूद है। और आप देख सकते हैं पानी बहुत यहाँ, अभी जो देखिए मैं आपको दिखा रहा, अभी कैमरा मैन साहब तो थोड़ा और दिखाएं भी वो, यहाँ आप देखिए ये संजय सेतु का पुल बना हुआ है और ये साइड में नदी है, तो इस वक्त जल तो थोड़ा कम हो गया है, पानी काफी कम है, लेकिन जब बरसात के दिनों में यहाँ पर बहुत काफी जल हो जाता है और जो बांध बना हुआ है उस बांध को यहाँ पर जल छूने लगता है। तो आज मैं पूरी देख सकते हैं, यहाँ पर नाव में बैठा हूँ, आप देखिए नाव है और आज हम यहाँ पहुँचे हैं और हमारे बीच में एक महानुभाव है, हम इनसे बात भी करते हैं और क्या ये अपनी बात रखते हैं। तो भाई साहब आपका पूरा नाम एक बार जानना चाहेंगे। फूलचंद, फूलचंद तपेसिपा, ग्राम तपेसिपा, ग्राम तपेसिपा के रहने, जी ग्राम तपेसिपा जनपद बहराइच के रहने वाले हैं। तो आप यहाँ घाट पे क्या करते हैं? घाट पे साहब यहाँ पर तो हम इसे आए करते हैं और यहाँ पर पूजा अर्चना भी करते हैं और देख रेख की यहाँ पर हमारा जो बाहर से कांवरती आते हैं इनको देख रेख के लिए बताने के लिए तो यहाँ पर रहते हैं, इसीलिए यहाँ पर हमारी ड्यूटी समझे या कुछ भी समझे आप। तो एक चीज और पूछते हैं, कांवरती जो आते हैं यहाँ पर तो ये जब शिवरात्रि के समय आते होंगे, क्या कब आते हैं कांवरती? यहाँ पर शिवरात्रि के समय आते हैं और सावन के महीने में पूरा महीना चलता है और यहाँ शिवरात्रि में आते हैं लोग काफी दूर से, क्योंकि यहाँ पर कानपुर से, उन्नाव से, जिला जालौन से, हमीरपुर से लोग काफी यहाँ यात्री आते हैं। यात्री यहाँ जल भरने के लिए आते होंगे ना? जी यहाँ जल भरने के लिए आते हैं और स्नान भी करते होंगे यहाँ? स्नान भी काफी तौर से आते हैं लोग स्नान करने के लिए, यहाँ जल भर के शंकर जी के भोलेनाथ की पर चढ़ाते भी हैं। नहीं तो जल लेकर कहाँ जाते हैं? यहाँ पर जो महादेवा है, महादेवा में जाते हैं ना, जो महादेवा में भगवान भोलेनाथ का एक बहुत बड़ा स्थान बना हुआ है वहाँ जाते हैं ना? जी जी हाँ, वहीं जाते हैं लोग यहाँ से लेकर के जल अपना। तो लगभग इन लोग संख्या क्या होगी, जो कितने लोग यहाँ घाट पे आते होंगे, लगभग क्या संख्या होगी, कितने लोग आते हैं यहाँ लमसम? यहाँ पर प्रतिदिन कम से कम नहीं सही कर तो 2,000, 2,500, 3,000 तक आदमी पहुँच जाते हैं। और जो समस्या ये है कि यहाँ पर ना तो कोई घाट है ना कोई लाइट की व्यवस्था, की रात के 3 बजे से लेकर के सुबह 8 बजे तक काफी यात्रा में लोग भीड़ करते हैं यहाँ पर। एक चीज और पूछते हैं, जो लोग यहाँ पर आते हैं वो अधिकतर क्या सुबह ही पहुँचते होंगे यहाँ पर घाट पे जल वल लेने के लिए? सुबह ही आते होंगे? जी हाँ सुबह ही आते हैं, काफी सुबह आते हैं लोग, 3 बजे भोर से लेकर के सुबह 8 बजे तक काफी भीड़ यहाँ रहती है। जी नहीं तो जैसे आपने ये बताया कि यहाँ पर जो है घाट बनना चाहिए, आपने घाट की बात की है और लाइट की बात की है, तो क्या कभी इसके विषय में कहीं उच्च अधिकारियों से या किसी जनप्रतिनिधि से कभी कोई मांग की गई, कभी कुछ कहा गया, नहीं कहा गया? हाँ हमने सर कई बार कहे, काफी तो उन लोगों से प्रयास किया लेकिन कोई कहता है कि यहाँ पर तो कोई आवश्यकता भी नहीं है कि यहाँ घाट की, क्योंकि यहाँ पर क्या करें, हमारे लोगों के पास बीच में कोई समस्या नहीं है, ये तो क्या किया जाए फिर? नहीं तो लाइट ना होने के कारण तो रात में अंधेरा रहता होगा, फिर कैसे व्यवस्था होती है, जो कांवरतिया आते हैं वो कैसे जल भरते हैं, कैसे जाते हैं, उसके लिए क्या कोई वैकल्पिक जनरेटर या कोई और व्यवस्था की जाती है यहाँ पर? नहीं की जाती है यहाँ पर, तो काफी पहले जो है यहाँ पर हमारे दरोगा जी थे जो यहाँ याना में, तो वो अपने व्यवस्था करते थे प्राइवेट प्रधानों से, लेकिन आज जो है कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है और अपने अधिकारियों से भी हमने बताया कि यहाँ जो यहाँ आते हैं तो, लेकिन कोई समस्या सीधे ध्यान नहीं देते इसके लिए। देखिए अभी आपने नाम क्या बताया था, तुम्हारा नाम बताइए? फूलचंद, फूलचंद यहाँ ग्राम तपेसिपा के रहने वाले हैं। देखिए अभी आपके बीच में फूलचंद जी ने अपनी बात को रखा और इनका कहना है कि जो है इस वक्त जो है ये घाघरा घाट का संजय सेतु के मैं नीचे मौजूद हूँ और इनका कहना है कि यहाँ पर तमाम काफी संख्या में कांवरतिया आते हैं और कांवरतियों के लिए जो यहाँ पर जो है जल यहाँ पर ले जाते हैं कांवरतिया यहाँ से महादेवा और जो तमाम धार्मिक जो मंदिर है वहाँ पर जल अभिषेक करने के लिए यहाँ से जल ले जाते हैं, लेकिन यहाँ लाइट और घाट ना होने की वजह से पक्का घाट की मांग कर रहे हैं कि पक्का घाट अगर बन जाए तो जो कांवरतिया आते हैं उनको आराम हो जाए और
लाइट हो जाए तो भी काफी व्यवस्थाएं हो जाएगी, और जब घाट बन जाएगा तो कोई हादसा नहीं होगा, एक बैरिकेडिंग हो जाएगी जितने के बाद लोग आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि जब इस नदी में लोग उतर जाते हैं तो जो लोग अनजान होते हैं, जिन लोगों को पता नहीं होता कि नदी की गहराई कितनी कैसे क्या है, तो वो जब आगे जा जाते हैं तो उससे हादसा हो जाता है और प्राण घातक हादसे हो जाते हैं, जिससे उनको जान जोखिम या उनको जान के लाले पड़ जाते हैं, जान की बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाता है उन लोगों के लिए। तो इसलिए इनकी मांग है कि यहाँ पर ये पक्का घाट बना दिया जाए, जिससे आने वाले दिनों में जो भी यहाँ पर कांवरतिया जो भी लोग यहाँ से जलाभिषेक के लिए ले जाए वो सुरक्षित जाए यहाँ से और जलाभिषेक भर के ले जाए। जो ये पूरब का हिस्सा है, जो बिल्कुल जो है ये पुल से जुड़ा हुआ हिस्सा, और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं ये जो है शक्तिपीठ कुछ है जो यहाँ पर जो ये लोग पूजा उजा करते हैं, ये जय माता दी भी लिखा हुआ है। और जैसा कि बताते हैं नागेश्वर जी महाराज जी की ये जो है सब इनका ये स्थापना की गई है, यहाँ पर ये जो आकृति बनी हुई है, और यहाँ पर पूजा अर्चना भी कार्यक्रम होता है, और इसी को जो है ये काफ़ी लोग यहाँ जो अभी जिनसे बात भी हुई उन लोगों ने मांग किया कि अगर इसको घाट बना दिया जाए, एक पक्का घाट का निर्माण कर दिया जाए, तो आने वाले दिनों में यहाँ पर जो कांवरतिया और जो लोग पहुँचते हैं वो बहुत अच्छा सा एक मैसेज जाएगा कि कांवरतिया यहाँ पहुँच करके जल भरते हैं जो भगवान भोलेनाथ और अन्य स्थानों पर वो ले जाते हैं। तो इसलिए ये मांग कर रहे हैं कि इस स्थान को अगर घाट में तब्दील कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ वर्षों से लोग जल भरने के लिए पहुँचते ही रहे हैं। तो और एक मंदिर के निर्माण के लिए भी यहाँ बात हो रही है, यहाँ साइड में आप बगल में देख सकते हैं भगवान भोलेनाथ की एक शिवलिंग भी रखा हुआ है, और थोड़ा बहुत ईंटा भी यहाँ साइड में लगा हुआ है। तो इन लोगों का कहना कि अगर यहाँ पे एक शिव मंदिर की स्थापना भी कर दी जाए, यहाँ पर बाबा भी रहते हैं, पूजा अर्चना भी वो करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि इस वक्त हम संजय सेतु जो जनपद बहराइच और बाराबंकी के बॉर्डर पर पड़ता है, मैं वहाँ पर मौजूद हूँ, और वो आप देख रहे हैं मेरे सामने एक पुल बना हुआ है, जो पुल का जो आगे का हिस्सा देख रहे हैं इधर का, ये सीधे बहराइच और गोंडा श्रावस्ती कई जनपदों को जोड़ता है, और उधर जो सामने देख रहे हैं आप ये सीधे लखनऊ के लिए लोग यहां से निकलते हैं, तो इस पुल का ही इस्तेमाल करके लोग लखनऊ पहुंचते हैं। न्यूज़ न्यू इंडिया से अशोक मिश्र अन्ना बहराइच।